हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लकी वर्मा प्रबुद्ध हिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल की नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की। तो हमारा आंसर होगा पुष्यभूति वर्धन ने। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदंब राज्य की स्थापना मयूर सरमन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो हमारा आंसर होगा बैजंती या बनवासी को। कदंब राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा मयूर सरमन ने। और मयूर सरमन ने अपनी राजधानी बैजंती या बनवासी को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो हमारा आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो हमारा आंसर होगा दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा आंसर होगा कन्नौज। मौखरी जो शासक थे उनकी राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा आंसर होगा बाण भट्ट ने। हर्षचरित नामक पुस्तक बाण भट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो हमारा आंसर होगा हरिशेड़। हर्ष के समय की जो सूचनाएं थी वो हरिशेड़ की पुस्तकों में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? तो हमारा आंसर होगा कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो हमारा आंसर होगा कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हमारा आंसर होगा कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? तो हमारा आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण भट्ट निवासी था? तो हमारा आंसर होगा थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमारा आंसर होगा सम्राट हर्ष के। ह्वेनसांग जो था वो सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग चीन के किस शासक का समकालीन था? तो हमारा आंसर होगा ताई सुंग। ह्वेनसांग चीन के ताई सुंग शासक के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हमारा आंसर होगा नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमारा आंसर होगा रेशम के लिए। कौसे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो हमारा आंसर होगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो हमारा आंसर होगा सी यू की रचना ह्वेनसांग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग? तो हमारा आंसर होगा 672 ईस्वी में। चीनी यात्री जो इत्सिंग था उसने बिहार का भ्रमण 672 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? तो हमारा आंसर होगा ह्वेनसांग।
चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वह था वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो हमारा आंसर होगा नालंदा। सबसे प्राचीन बिहार भारत में नालंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी, तो हमारा आंसर होगा पाल वंश। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो हमारा आंसर होगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं, तो हमारा आंसर होगा जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है, तो हमारा आंसर होगा हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्विति के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमारा आंसर होगा ऐहोल अभिलेख में। हर्ष एवं पुलकेशिन द्विति के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो हमारा आंसर होगा शशांक। शशांक बंगाल का शासक हर्ष का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हमारा आंसर होगा हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहार का अर्थ है, तो हमारा आंसर होगा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, तो हमारा आंसर होगा खेत की सिंचाई के लिए। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा, तो हमारा आंसर होगा 14 साल। वेनसांग भारत में लगभग 14 साल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा वेनसांग को। वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।